अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई आज आपके साथ एक शेयर करने लगा। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि मौसम के लिहाज से आपके ये कबूतरों के बच्चे ज़ाया हो जाएंगे, वो इस वजह से क्योंकि इनके ये देखें ये चेहरों पे ना ये वगैरह दाने वगैरह आ जाते हैं, मच्छर काट लेते हैं। ये दाने देखें, ये मेरे बर्ड्स को दाने निकले हुए हैं। मेरा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है, मोतियों वालों में से निकला हुआ है, और मेरे काफ़ी बच्चे अभी मैंने खोले हैं आपको शेयर करने के लिए कि अपने इन बच्चों को ना हफाजत में रखिए और इनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। ये सारे बच्चे भाई आपको दिखाता है, मैंने ये सारे बच्चों का ना ये अभी मैं आपको ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें लगानी है आपने। जैसे कि दोस्तों ये देखो, मैंने ये एक पानी बनाया है, ये पिंकी है। ठीक है, पानी में मैंने डाल के ना, पिंकी पहले किस तरह की होती है मैं आपको वो भी बच्चा छोड़ के ना आपको वहाँ दिखाता हूँ। पहले वीडियो में आपको मैंने नहाने का तरीका बताया था, ये वो ही पिंकी है। ठीक है, इसको पानी में डाल के ना तो इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ी सी और डालता हूँ कि मैंने पिंकी डाल ली। ठीक है, आप हाथ की भी मदद से, ठीक है, या एक ये चमची ले लेना, ठीक है, इसके साथ भी आप हला सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डार्क पर्पल कलर की बन गई है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें आप अगर के कबूतरों में, आपके कबूतरों के पड़ों में जुएँ पड़ी हैं ना, आप कबूतरों के पड़ों में मतलब कि इसको नहा भी सकते हैं अपने कबूतरों के बच्चों को। ठीक है, अभी मैं आपको ये लगा के आपके साथ ये मैं शेयर करता हूँ सारी। ठीक है, मैं थोड़ी सी हिला लेता हूँ, अब मैं तो वो कबूतर के बच्चे लेके आता है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ लगा के। इसका तो बेचारे का बहुत ही बुरा हाल हुआ, देख रहे हैं ये मुंह पे और इसके बाद ये सर पे इसका निकला हुआ है, ये सर पे भी निकला हुआ है। ठीक है, आप भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं और आपको दिखाते हैं मेरा माशाल्लाह डेसरों पेट का जोड़ा है उसका बच्चा माशाल्लाह। चेक करें इसकी आइज भी, चेक करें, अभी छोटा है, चूँ चूँ करता है। अब मैंने इसको ये पकड़ लिया, ठीक है, ये मैंने डिप किया, हल्का हल्का डिप किया। ठीक है, डिप करने के बाद इसको एक इधर रखते हैं तो ये भाई को पकड़ाते हैं ज़रा बच्चा, कि मैं इसको लगा लूँ। ये देखिए ऐसे पकड़ना आपने इसका, और जहाँ जहाँ निकले हैं ना वहाँ वहाँ लगा देना। इससे आपके इतने इतने कीमती बर्ड्स होते हैं और हम बेहतियाती की वजह से ना इनको छोड़ देते हैं और मतलब कि ज़ाया हो जाते हैं हमारे बच्चे। अब इसको भी लगा लिया, इसी तरह मैंने हर बर्ड्स को ये लगाऊंगा और आपको मैं दिखाता भी रहूंगा। इसी तरह ये देख लें, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना आप हाथ के साथ भी लगा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही इसको भी लगा लिया मैंने। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये भी मेरा रेसर का पेड़ का बच्चा है माशाल्लाह। इसके बाद एक ये चिक्स है, इसका मैंने किया था, इसका माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया हुआ। ये देखिए ये एक निकला, इसको भी छोड़ देते हैं।
अब इसी तरह आपने अपने बच्चों को जो इसी तरह जो दाने निकलते हैं ना, इन दानों का इलाज है, ठीक है। मच्छर काटने से ही आते हैं ये वाले, इनका ये इलाज बता दिया आपको, ठीक है। और बाद में आपकी हाथों की हालत ना इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। इससे अच्छा आप एहतियात करना, आप छापर लगा लेना, ठीक है। आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे। मैंने ये सारे बच्चों का ना, अपने ये जितने भी मेरे बच्चे थे माशाल्लाह खासत के, उसके बाद ये सील जोड़ा एक मेरा, ठीक है। प्रवासी बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत हाई फ्लाई बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आपको गाइड करता रहूँगा, मज़ीद मामला देता रहूँगा। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और प्यारा सा एक कमेंट, और वीडियो फुल देख के जाइएगा, ठीक है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छी तरह मिलती रहेगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपको कोई टॉपिक में वीडियो भेजूँगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।